हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब स्टूडेंट अच्छे हैं। आई होप आप हमारी जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड हुई है, आप कंटिन्यू उन वीडियो को देख रहे होंगे और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमारे कॉमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में जाके आप चैट कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिएगा, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी क्वायरी होगी या इस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती है और आपको लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और आपको लग रहा है कि हाँ, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी भी अगर मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कुछ अच्छा अगर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस हमारे छोटे से चैनल पे, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे लीचालियर प्रिंसिपल। लीचालियर प्रिंसिपल्स क्या होता है, लासितेलिया का नियम हिंदी में जिसको बोलते हैं, क्या होता है, इसको अपने डिटेल से पढ़ते हैं और जितने भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम एक इसका ना क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो वो आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। और इस टॉपिक को, इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से आप समझना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस लेक्चर को समझना। ओके स्टूडेंट्स, चलिएगा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लीचालियर प्रिंसिपल्स, यानी कि लासितेलिया का नियम होता क्या है। सबसे पहले आपको उसकी जानकारी मैं यहाँ पे बता देता हूं। सपोज करो कि यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे सी प्लस डी बन रहा है, ठीक है ना। क्या बन रहा है, एक हमारे पास रिएक्शन है जो कि क्या है कि चल रही है, एक रिएक्शन स्टॉप नहीं है, चल रही है कंटिन्यूसली, यानी कि ए बी से क्या बन रहा है, सी प्लस डी बन रहा है। फिर से इक्विलिब्रियम की वजह से सी प्लस डी से क्या बनेगा, यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन के दौरान ए प्लस बी बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब आप इसमें कहीं पर भी अगर माइनर सा चेंज कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसकी जो स्टोइकोमेट्री है, इसके जो मोल हैं किसके, सी के, मैंने क्या कर दिए यहाँ पे, चेंज कर दिए हैं। क्या मतलब हुआ कि इफ वी चेंज कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, टेम्परेचर और एड इनर्ट मटेरियल, यानी कि इनर्ट जो गैसेस होती है, टू ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। क्या मतलब हुआ उस लाइन का, इस लाइन का मतलब ये हुआ, अगर आप इस रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा भी चेंज करते हो, क्या करते हो, थोड़ा सा चेंज करते हो, और वो जो चेंज है आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की वजह से भी चेंज हो सकता है, प्रेशर की वजह से आप इस रिएक्शन को चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर की वजह से आप इस रिएक्शन को चेंज कर सकते हो, या कोई इनर्ट मटेरियल या इनर्ट कोई गैसेस है, आप इसमें अप्लाई करके इस रिएक्शन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इस रिएक्शन के चेंज हो जाने के बाद, इस रिएक्शन के चेंज हो जाने के बाद में आपको ऐसा, आप इस रिएक्शन को क्या ऐसा कर सकते हो जिससे कि जो हमारा चेंज हुआ है वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाए, उसी ही स्टेज में, उसी ही स्थिति में ये वापस रिएक्शन आ जाए जिस स्थिति में ये पहले थी, उसको अपने क्या कहते हैं, लीचालियर प्रिंसिपल या लासितेलिया का नियम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब इतना सा है कि जिस पोजीशन में ये रिएक्शन चल रही थी, जिस स्थिति में ये रिएक्शन चल रही थी, उसी स्थिति में वापस रिएक्शन आ जाए, चेंज अपने इस रिएक्शन को चेंज करने के बाद में भी उसी ही डायरेक्शन में, उसी ही स्थिति में अगर वो रिएक्शन वापिस आ रही है, तो उस स्थिति को अपने क्या बोलते हैं, लासितेलिया का नियम बोलते हैं, ठीक है, लीचालियर प्रिंसिपल बोलते हैं। एक और एग्जांपल से इसको समझिएगा। सपोज कि ये मेरे पास एक बाउल है, इसके अंदर मैंने एक यहां पे बॉल रखी है, कुछ इस प्रकार से, ये मेरे पास क्या एक बॉल है, यहां से मैंने इसको क्या है कि एक फोर्स अप्लाई किया, इधर से यहां से इस बॉल को क्या है कि मैंने जब फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये बॉल की जो डायरेक्शन है कुछ यहां पर आ जाएगी, बॉल यहां पे आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, इसी बॉल को फिर से क्या होगा, इसके अंदर मोमेंटम होगा, जब मोमेंटम होगा तो यहां पे आएगी और यहां से फिर कहां पे जाएगी, यहां पे जाएगी,
ये बोल। इस प्रकार से ये जो प्रक्रम होता है, इस प्रकार से जो इनकी जो स्थिति होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है, मतलब कि चेंज होती रहती है। जिस प्रकार से इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ चेंज किया, कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किए, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर भी कुछ फैक्टर्स अप्लाई किए, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसकी जो एक्चुअल जो स्थिति थी, जो पोजिशन थी, वो यहां से यहां हो गई, यहां से फिर यहां चली गई थी। ओके स्टूडेंट्स, और एक ऐसी स्टेज आएगी जब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये वाली जो बॉल है वो आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये बॉल क्या आ जाएगी, अपनी ही स्थिति में आ जाएगी। और इसी स्थिति को अपने क्या बोलते हैं, लेचालियर प्रिंसिपल। कितना भी आप यहां पे चेंज कर दो, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो अपनी ही पोजीशन में, जब वो अपनी ही पोजीशन में जब ये बॉल आ जाती है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब ये आ जाती है, उसी स्टेज को अपने क्या कहते हैं, लेचालियर प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, आगे मैंने क्या किया, देखो जब अपने कुछ फैक्टर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है कि डिस्टर्ब होता है, और उसी डिस्टरबेंट को क्या है कि दूर करने के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि वो उसी स्टेज में आ जाए, ठीक है ना, उसी को अपने क्या कहते हैं यहाँ पे, लीचालियर प्रिंसिपल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इक्विलिब्रियम विल बी ट्राई करते हैं अंडू दी चेंज मेड, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए डायरेक्शन सो एज टू अंडू दी चेंज। अपने क्या करते हैं कि जब रिएक्शन चेंज होती है, जब इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो अपने क्या ऐसा करें कि यहाँ पे ऐसा क्या करें ताकि ये इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन से फिर अपने क्या करना पड़ेगा, इसको अनडू करना पड़ेगा, यानी कि इसको बैक वापिस चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि रिएक्शन को अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस का चेंज करो, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करो जिससे कि अपनी जैसे पहले जो पोजीशन थी इसकी उसी पोजीशन में आ जाए। तो यहां पे अपने एक चीज ये बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है किसके, रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है ना। ये हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई, इधर से ए बी से क्या बनेगा, C प्लस डी बनेगा, C प्लस डी से A प्लस बी बनेगा, तो यानी कि यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, और ये कब होगा, जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम स्टेट में ये इक्वेशन आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमेशा रिवर्सिबल के अंदर ही होगा। इतनी चीज आपको समझनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने क्या करते हैं, इस रिएक्शन पे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अप्लाई करके देखते हैं कि इन पे जो फैक्टर्स अप्लाई करने के बाद इनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसी चेंज को दूर करने के लिए अपने क्या ऐसा करें ताकि वो उसी अपनी स्टेज में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ने जा रहे हैं, और फैक्टर इफेक्टिंग के अंदर जो फर्स्ट हमने केस लिया है वो लिया है चेंज इन कंसंट्रेशन। रिएक्शन के अंदर आप कंसंट्रेशन के चेंज करने पर, रिएक्शन के अंदर आप कंसंट्रेशन को चेंज करने पर क्या क्या आपको इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो आप समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रिएक्शन ड्रॉ की है, N2 3H2 से क्या बना है यहाँ पे, 2 मोल ऑफ है अमोनिया के, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, सबसे पहला जो केस देखिएगा क्या बन सकता है, पहला केस मैंने यहां पे लिया कि N2 की जो कंसंट्रेशन है, N2 की जो कंसंट्रेशन है वो मैंने यहाँ पे क्या की है, इंक्रीज की है। हेडिंग हमारी क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि कंसंट्रेशन जो है इस N2 की सबसे पहले मैंने यहाँ पे बढ़ाई है। सपोज करो कि यहाँ पे मैंने N2 की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाई है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस N2 की जो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, जिसकी वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम होगा, जिसकी वजह से जो आपका इक्विलिब्रियम होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे ही आपका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको उस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा, और अंडू करने के बाद
जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होता है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यहां से क्वेश्चन बनता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि मैंने यहां पे इस N2 की कंसंट्रेशन बढ़ा देने पे हमारी जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड या नो इफेक्ट, ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो इसके अंदर आपको किस प्रकार से आंसर देना है वो समझिएगा। मैंने यहाँ पे इस N2 की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो यहाँ पे ऐसा मैं क्या चेंज करूँ जिसकी वजह से इसकी जो पहले कंसंट्रेशन थी बढ़ाने से पहले, जो पहले इसकी जो कंसंट्रेशन थी वही अभी आ जाए, ऐसा यहाँ पे मैं क्या चेंज करूँ। तो इस रिएक्शन को सपोज करो कि मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस रिएक्शन को मैंने यहाँ पे क्या किया, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवाया, ठीक है ना। तो जैसे मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया तो यहाँ पे क्या बन गया, अमोनिया बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी इसकी कंसंट्रेशन थी उतनी ही, मतलब जितनी आपने बढ़ाई थी उसकी कंसंट्रेशन, वो उतनी ही उतनी जो कंसंट्रेशन है वो इस अमोनिया ने क्या कर ली, कंज्यूम कर ली है, ठीक है ना। जिसकी वजह से इसकी जो कंसंट्रेशन जितनी बढ़ाई थी अब उतनी नहीं रहेगी, अपने उसी स्टेज में आ जाएगा जिस स्टेज में क्या है था, पहले था। इसका मतलब अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसको मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। N2 की जो कंसंट्रेशन है बढ़ाने पे यहाँ पे किस प्रकार का जो शिफ्ट है अपने को देखने को मिलता है, वो मिलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, कोई बात नहीं, एक और अपने केस लेते हैं, केस नंबर टू। केस नंबर टू के अंदर देखिएगा, सपोज यहाँ पे जो इस हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है मैंने यहाँ पे क्या की है, कम की है, डिक्रीजेस कंसंट्रेशन। इस हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है मैंने यहाँ पे क्या की है, डिक्रीज की है। डिक्रीज करने का मतलब यहाँ पे अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन को कम किया है तो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से इसकी जो कंसंट्रेशन पहले थी वही वापस आ जाए, अपनी रियल पोजीशन में आ जाए, ऐसा यहाँ पे क्या चेंज किया जाए, सोचिएगा। यहाँ पे ऐसा मैं क्या करूं अगर मैं अमोनिया से वापस इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनाऊं तो उसकी जितनी थी पहले कंसंट्रेशन क्या उतनी मिल जाएगी वापस? अरे मिल जाएगी ना, इस अमोनिया की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब मैं यहाँ पे इसकी कम हो गई कंसंट्रेशन, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आप कम कर रहे हो, हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन को बैकवर्ड चलाऊंगा, क्या करूंगा, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाऊंगा जिसकी वजह से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि उसी स्टेज में या उसी पोजिशन में आ जाएगी जिस पोजिशन में वो पहले थी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे बताइएगा कि हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है मैंने यहाँ पे कम की जिसकी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाने के बाद अपने को उस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चलाना पड़ेगा, यानी कि अंडू करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने रिएक्शन को अंडू किया तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, बैकवर्ड। ये लीजिएगा, कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे एक क्वेश्चन ये है, थर्ड टाइप का जो केस है वो अपने बना रहे हैं कि अगर इस अमोनिया को मैंने यहां से क्या किया, रिमूव किया, हटा दिया मैंने इसको, पूरा का पूरा मैंने इसको हटा दिया, बना ही नहीं है अमोनिया, उस दौरान हमारी जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में चलनी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में या नो इफेक्ट। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, केस नंबर थर्ड में ये चीज आपको बताई जा रही है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि अगर इस अमोनिया को मैंने यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया है, तो इस अमोनिया को रिमूव करने के बाद ये जो रिएक्शन है कौन सी डायरेक्शन में चलनी चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाए, क्या चीज, अमोनिया। सोचिएगा, यहां पे दिमाग लगाइएगा, वीडियो को पॉज करके
आप यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, इस क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट लीजिएगा समझने की यहाँ पे कोशिश करना। यहाँ पे फर्स्ट केस और सेकंड केस अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इस अमोनिया को मैंने क्या किया, रिमूव किया। अरे सिंपल है ना, इसको मैंने रिमूव किया तो अपने को फिर से क्या बनाना है, यहाँ पे अमोनिया ही तो बनाना है। अमोनिया ऐसा क्या करें कि अमोनिया बन जाए, तो इस N2O3H2 से क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करवाएंगे और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन रहेगी, जिसकी वजह से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे अमोनिया बन जाएगा। सिंपल है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन रहेगी। ये लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो तीनों केस हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, कंसंट्रेशन कम करने पे, आपको कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उसको रिमूव करने पे, जो रिएक्शन है किस डायरेक्शन में आपको करनी है, और लीचालियर प्रिंसिपल का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, लीचालियर प्रिंसिपल का, यानी कि उसी स्टेज में वापिस उसी स्टेज में आना ही क्या कहलाता है, या उसी रिएक्शन को अंडू करना ही क्या कहलाता है, लीचालियर प्रिंसिपल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको आई होप तीनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब अपने क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, उन पर अपने प्रैक्टिस करते हैं। ओके, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है, सिंपल क्वेश्चन होता है। चलिएगा स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर हमने यह एग्जांपल लिया है SO2 का, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने पे यहाँ पे क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि SO3 का, सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ा सकते हैं, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या दोगे, किस प्रकार से दोगे, दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा। पहले तो देखिएगा, इसका जो प्रोडक्शन आपने टू प्रकार से, यानी कि टू टाइप से इसका जो प्रोडक्शन है बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से, अगर मैंने इस SO3 को यहां से क्या किया, रिमूव किया, यानी कि SO3 को मैंने यहां से क्या किया, रिमूवल किया। तो जैसे मैंने यहां से रिमूव किया तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, यहां पे डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर मैं यहां से क्या करूंगा, अंडू करना पड़ेगा इस रिएक्शन को। और जैसे यहां से अंडू करना पड़ेगा तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा, और कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा वो बताइएगा, डायरेक्शन क्या आएगी यहां पे। अरे ये बताओ, सबसे पहला जो केस है, इसका जो सबसे पहला जो केस है, केस नंबर फर्स्ट, तो केस नंबर फर्स्ट में देखिएगा, इस SO3 का जो प्रोडक्शन अपने को बढ़ाना है, प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि SO3 की जो अमाउंट है अपने को क्या करनी है, बढ़ानी है। किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं वो समझिएगा, कि सपोज करो कि फर्स्ट केस के अंदर मैंने इसको रिमूव कर दिया, जिससे कि आपने क्या है कि पहले वाले केस के अंदर जैसे अमोनिया को रिमूव किया था, उसी प्रकार से क्या है कि इस SO3 को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो जो SO2 और जो O2 है, यहां से क्या बनेगा, इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाने पे क्या बनेगा, यहाँ पे SO3 बनेगा। इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाने पे क्या बनेगा, SO3 बनेगा। जब ये रहेगा नहीं तो इनको क्या है कि और अमाउंट में ज्यादा एनर्जी इनको देनी पड़ेगी। तो क्या होता है, जब ये रिएक्शन तेज करेंगे, यहाँ पे जब कमी हो जाएगी तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्शन को फास्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में आपको फ्लो करनी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। आपको यहाँ पे इस जो डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आप इस रिएक्शन को क्या करवाना पड़ेगा, प्रोसीड करवाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, सेकंड केस समझिएगा, इसका केस नंबर सेकंड। सेकंड नंबर में क्या है कि अगर आप SO2 एंड O2 इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है अगर आप बढ़ा दो, ठीक है, SO2 और O2 की जो कंसंट्रेशन है आप क्या कर दो, यहां से बढ़ा दीजिएगा। अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन भी आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, जो SO3 है इसका जो प्रोडक्शन है वो क्या क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अपने को कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन को चलाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है किसका, SO3 का, वो बढ़ेगा।
सिर्फ ये दो ही केस बनते हैं जिसके अंदर SO3 का जो प्रोडक्शन है इंक्रीज किया जा सकता है। पहला केस इसको रिमूव करके, जिसकी वजह से आपस में जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी, और फास्ट हो जाने की वजह से ये क्या होगा, इसकी जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा बनेगी। सेकेंड केस के अंदर हमने देखा कि इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ा देंगे, तो ये क्या होगा, इसका जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। यहाँ पे समझिएगा, सेकंड फैक्टर को हम समझने जा रहे हैं कि चेंज इन प्रेशर, प्रेशर को चेंज करने पर आपको क्या इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो समझना। N2 3S2, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी है अमोनिया की। तो इसमें क्या है कि सपोज करो कि केस नंबर फर्स्ट, इस N2 का मैंने यहाँ पे जो प्रेशर है वो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंक्रीज किया है। इस N2 का जो प्रेशर है मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस N2 का जो प्रेशर है वो इंक्रीज करोगे तो वही चीज होगी, इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और जैसे ही इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, तो आपकी जो रिएक्शन है उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि अंडू करना पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा, और कौन सी डायरेक्शन में होगा वही चीज आपसे पूछी जाएगी। इसका जो प्रेशर है मैंने इंक्रीज किया, ठीक है ना, तो इंक्रीज करने पर हमें जो डायरेक्शन है, इस इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, फॉरवर्ड होनी चाहिए या बैकवर्ड होनी चाहिए या नो इफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, आपको इसके लिए यानी कि प्रेशर के लिए एक रूल आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो आपको जो इक्विलिब्रियम है उस डायरेक्शन में आपको शिफ्ट करवाना है जिस डायरेक्शन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सबसे कम कहाँ पे हैं, इसका मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ पे मोल कितने हैं, 3, यहाँ पे मोल कितने हैं, 2, ठीक है। इस N2 का मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, तो इसकी डायरेक्शन अभी क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ये लीजिएगा, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। रूल आपको पता होना चाहिए किसके लिए, प्रेशर के लिए। प्रेशर के लिए ये रूल है कि आपको उसी डायरेक्शन में मूव करवानी है रिएक्शन को जिस डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे समझिएगा रूल नंबर सेकंड में यहां पे देखिएगा, सपोज कि मेरे पास एक रिएक्शन है N2O2 से यहां पे क्या बना, 2NO बना, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताइएगा कि यहां पे जो प्रेशर है वो मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, चाहे आप N2 का करो चाहे आप O2 का प्रेशर इंक्रीज करो, तो मेरे को आप ये बताइएगा कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में या नो इफेक्ट, आंसर दीजिएगा इसका। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना, समझो, इधर सामने देखो यहां पे क्या है कि प्रेशर मैंने यहां पे क्या किया, इंक्रीज किया। प्रेशर को इंक्रीज करने पे सबसे पहले आप ये चीज तो देखा करो ना कि डेल एनजी कितना है इसका, डेल एनजी आपको क्या बताया था, मोल ऑफ प्रेशर के, नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर के, सॉरी नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, प्रोडक्ट के, माइनस क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल किसके, रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 2, कितना आएगा, 0। जब रिएक्शन के अंदर जो मोल है यानी कि जो डेल एनजी का जो मान है कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आप प्रेशर को चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, प्रेशर को चाहे बढ़ाओ चाहे प्रेशर को घटाओ, तो आपकी जो डायरेक्शन है, जो इक्विलिब्रियम की जो डायरेक्शन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि ना तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी और ना ही वो क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। आपको इसको ध्यान में रखना, स्टार लगा के रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस रिएक्शन में क्या है, जब डेल एनजी का मान क्या होता है, 0 होता है, जब डेल एनजी का मान क्या होता है, 0 होता है, तो आप प्रेशर को चाहे बढ़ाओ चाहे प्रेशर को आप घटाओ, तो
तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई भी इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जो रिएक्शन जैसी है वो वैसी की वैसी रहेगी, ना तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, इतनी चीज समझ में आ गई आप सबको। चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो पढ़ते हैं, चेंज इन टेम्परेचर का। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर इफेक्टिंग सेकेंड चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने पर रिएक्शन में क्या इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रूल नंबर फर्स्ट आपको ध्यान में ये रखना है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर आपका जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन के अंदर जहां पर हीट का क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। हीट का क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, या ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, बताइएगा इस रिएक्शन के अंदर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो डायरेक्शन है इक्विलिब्रियम की वो किस ओर होगी, फॉरवर्ड में होगी या बैकवर्ड में होगी या फिर नो इफेक्ट होगा, बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो हीट का जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर क्या आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं कि इसी एग्जाम्पल को अपने ले लेते हैं और इसमें माइनर सा चेंज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, ये डेल मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिएगा मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो रिएक्शन है क्या फॉरवर्ड चलेगी या बैकवर्ड रिएक्शन चलेगी, बताइएगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप कि ए प्लस बी से क्या बना, सी प्लस डी बना फॉरवर्ड रिएक्शन के दौरान, और सी प्लस डी क्या करेगा, इस हीट को अब्जॉर्व करेगा, और इस हीट को अब्जॉर्व करने के बाद में क्या चलेगी, अपने बैकवर्ड रिएक्शन चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कैसे चलनी चाहिए, बैकवर्ड रिएक्शन चलनी चाहिए, ठीक है ना। कैसी रिएक्शन होगी यहाँ पे, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है चेंज इन टेम्परेचर का समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के अंदर है चेंज इन टेम्परेचर के अंदर, यहां पे मैंने एक रिएक्शन प्रोसीड की है अमोनिया की और -22.4 किलो कैलोरी, यहाँ पे जो एनर्जी मैंने यहाँ पे कितनी लिया, -22.4 किलो कैलोरी। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ। तो टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद ये जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट है वो कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, सोच के बताइएगा। यहाँ पे क्या उस रिएक्शन को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, ये जो माइनस है तो इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 22.4 किलो कैलोरी हमारी एनर्जी हो गई है, और यहां से क्या बनेगा, 2 NH3 बनेगा। या अब आप सोल्व कर सकते हो, अब तो इजिली सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो क्या कर रहे हैं, इस हीट का अब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी कि इस हीट का क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, बताइएगा। समझ में आ गया, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे कंसंट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उनको इजिली सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब एक लास्ट यहाँ पे बच गया है इनर्ट वाला, यानी कि आप जब इनर्ट कोई मटेरियल जो है, यानी कि इनर्ट गैस जो है, आप उसमें अगर कुछ चेंज करोगे रिएक्शन के अंदर, तो आपके आपको क्या है कि कौन कौन से इफेक्ट जो है देखने को मिलेंगे, अपने जो लास्ट पॉइंट है उसको और देख लेते हैं। अब चलिएगा यहाँ पे फोर्थ टाइप का जो लास्ट हमारा है फैक्टर इफेक्ट, हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। यानी कि इनर्ट मटेरियल से यहाँ पे क्या मतलब है कि जब कोई इनर्ट गैस जो होती है, अगर आप किसी भी रिएक्शन के अंदर जब आप इनर्ट जो गैस होती है उसको जब मिक्स करोगे उस रिएक्शन के अंदर, तो आपको कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कब आपको देखने को नहीं मिलेगा, रूल नंबर फर्स्ट यहां पे देखिएगा, जब कॉन्स्टेंट
वॉल्यूम की कंडीशन होगी, तो उस समय क्या है कि आपको कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या होता है कि जो इनर्ट मटेरियल होता है वो ना ही तो प्रोडक्ट पे और ना ही रिएक्टेंट के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से क्या होता है कि जो कैटालिस्ट होता है रिएक्शन के अंदर, क्या होता है कि जो कैटालिस्ट होता है वो रिएक्शन को क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसकी जो रेट है वो क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है और घटा सकता है। उस प्रकार से क्या होता है कि जो इनर्ट जो मटेरियल होता है उसका रिएक्शन में क्या होता है कि ना ही तो प्रोडक्ट और ना ही क्या रिएक्टेंट के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, इसका ध्यान रखना आप। तो फर्स्ट इसका रूल ये कहता है कि ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, जहां पर भी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो वहां पर क्या है कि कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। रूल नंबर सेकंड देखिएगा, यहाँ पे अगर आपसे ये बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर आपके कोई रिएक्शन है जो कि चल रही है, तो उस दौरान आप मेरे को ये बताइएगा कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है, जहां पर मोर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है, जहां पर क्या है मोर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, जहां पर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो आपकी जो डायरेक्शन है उसी ओर ही क्या होगी, मूव होगी, उसी ओर ही क्या होगी, चलेगी, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट प्रेशर पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि वहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम शिफ्ट मोर नंबर ऑफ मोल्स, इसका ध्यान रखना आप। ओके स्टूडेंट्स, इतना ही था। अपने चारों जो इफेक्ट है, पहला हमने देखा यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ में, दूसरा हमने देखा प्रेशर के साथ, तीसरा हमने देखा टेम्परेचर के साथ, चौथा हमने देखा यहाँ पे इनर्ट मटेरियल के साथ में। आई होप आपको ली चार्लियर जो प्रिंसिपल है, लासित एलिया का जो नियम है, आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो सिर्फ यहाँ से क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायरेक्शन आपको बतानी होती है, रिएक्शन आपको गिवन होती है, इतनी ही चीज आपको समझनी होती है। आई होप आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार के जो इंटरेस्टिंग जो लेक्चर है आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।